तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत तो करो हमारा। Okay, so hello, what's up guys? स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से Even Kingdom की एक और brand new video में। हाँ guys, आज की video में हम लोग उसी वाले episode को continue करते आ रहे हैं जिस episode को हम कुछ time पहले से लेते आ रहे हैं, यानी उन तीन rules का use करके जिससे तुम लोग rank बहुत ही ज्यादा easily push कर सकते हो। अब मैंने इस पे neutral का भी episode बना दिया है, space cruise का भी episode बना दिया, तो ये last episode होने वाला है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं उन तीनों imposters के बारे में जो की rank push करने में तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोस्टर है वो है डिमेंटर। अब डिमेंटर क्यों और किस वजह से ज्यादा काम आने वाला है वो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। सो बेसिकली डिमेंटर एक ऐसा रोल है जिसके एमवीपी बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तुम इसमें निडर होके किसी को भी किल कर सकते हो, बट तुम्हारा पार्टनर प्रो होना चाहिए उसके लिए। अगर तुमने किसी को किल करा और तुमने मतलब मान लो तुमने जैसे कि दो बंदे मारे पर तुम लोगों को तुम्हें किसी वजह से ये लोग वोट आउट करा देते हैं, तो तुम लोग क्या करोगे, सिंपली एक बार रे इनकार्नेशन कर सकते हो, यानी पुनर्जन्म ले सकते हो। क्या जोक मारा भाई। तो जैसे तुम पुनर्जन्म लोगे वैसे ही तुम लोग जाके जो है एक किल और कर पाओगे। खैर अभी भाई मैंने यहाँ पे पर्पल को किल कर दिया और मैं अपना सेवर्ट मतलब कूल डाउन दोबारा पूरा होने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पार्टनर ने एक किल ऑलरेडी कर दिया हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी में एक बंदा खड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिकल में भी कोई आया है, ऐसे तभी तो इलेक्ट्रिकल फिक्स हुआ, बट यहाँ पे भाई ब्लू भी डेड बॉडी बन के पड़ा हुआ है। खैर अभी मैं किधर की साइड में जाऊँ मैं ये सोचूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर नहीं आया तो मेरा कूल डाउन भी पूरा नहीं होगा। बट अब मैं इधर मतलब मेड बे की साइड पे बाहर आ चुका हूँ और अपना इलेक्ट्रिकल और सिक्योरिटी के डोर वगैरह मैंने बंद कर दिए ताकि कोई भी ऊपर तक मतलब मेरे पास तक ना आ पाए। खैर अभी भाई मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और दोबारा से भाई मैं बाहर को निकल के जा रहा हूँ क्योंकि मेरा कूल डाउन होने वाला है। बट इतने में पर्पल की डेड बॉडी रिपोर्ट हो जाती है और ये लोग सियान को निकलवा देते हैं, ये कह के कि सियान को किल करते हुए इन लोगों ने देखा है। ये कैसे हो गया है? एंड आई वाज लाइक अगर तुम लोगों ने देखा है तो तुम लोग करो भाई, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, करो वोट आउट करो। खैर अभी भाई यहाँ पे वाइट कहता है कि वो सिक्योरिटी है वो कैमरा लगा के दिखाएंगे। आई वाज लाइक भाई देख मेरा पार्टनर को ही मेरा कपल बनाइए वरना इधर हम लोगों को दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना, समझ रहा तू। चलो कर दिया इसने कांड। अब इसने ऑरेंज को ओके ऑरेंज तो वाइट जैकेट ना, पर मैं काम करूंगा मैं मीटिंग बिठवा के अपने पार्टनर को गेस्ट करवा लूंगा। इसके बाद तो हम लोग गेम को जीत ही जाएंगे भाई, एलिमिनेट एवरीवन करना ना, मैं भागता हुआ जा रहा हूं भाई, मैं ग्रीन को पेलना आ रहा हूं और यहां पे भाई मैं डेड बॉडी रिपोर्ट कर देता हूं वरना मेरा पार्टनर मुझे भी किल कर सकता है। ओके 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 सुनो 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 अरे बस कर भाई सुनो 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 मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। ऑरेंज तू एक काम करना, तू वेट जाके बे बेफिकर हो और इसे अपने रेड को गेस्ट ले ले, कमिलियन गेस्ट ले तू, ठीक है। हाँ देख भाई देख मैं इम्पोस्टर हूँ ब्राउन भाई, मैं इम्पोस्टर हूँ, फिकर नहीं करो मैं डिमेंटर हूँ, पर वो मुझे नहीं मारेगा, वो मुझे नहीं मार सकता। अगर वो मुझे मारेगा तो वो खुद भी मर जाएगा भाई, तो तू एक काम कर तू ना सीधे सीधे रेड को जो है गैस ले ले, ठीक है, रेड को कमिलियन गैस ले, गेम खत्म कर, बहुत जल्दी गेम खत्म होगा भाई, मैं आगे गेम खिंचवाना नहीं चाहता क्योंकि कभी मेरे को किल करते कांड हो सकता है, तो तू रेड को गैस ले ले जल्दी से कमिलियन। गोल्ड को वोट करो, गोल्ड हमारा इम्पोस्टर है, ठीक है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल सर मुझे करोगे तो क्या करोगे तुम मेरे को निकाल के, मैं वैसे भी हंटर ही हूँ, चलो ठीक है मुझे करो, मैं गोल्डन को ले जा रहा हूँ, ठीक है। वाह क्या सीन है, मुझे करो बाद में, पर वैसे भी क्रू तुम क्रू काम ही करोगे तुम लोग फालतू का, गोल्डन हमारा इम्पोस्टर है, गोल्डन हमारा इम्पोस्टर है, ऑरेंज फालतू गिरी मत कर, गोल्ड इम्पोस्टर है, ग्रीन सेफ था, उसने मुझे कस्टे में लिया था नूबड़े लोगो। भाई सुनो ये गोल्डन डिमेंटर है पर उसके बाद मत सुनो, हम मैं वेट टू कैमियन कैसे जाऊं, मैं तुमका वाइट देखूं। हां गोल्डन भाई सुनो, ये बॉम्ब को फिर हम लोग फेंक देंगे ऐसे ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, क्या भाई
देख रहा हूँ भाई क्या सीन हुआ यहाँ पे। मैंने अपने पार्टनर से रेड मतलब वाइट जैक से अपने दूसरे पार्टनर से अपने पहले पार्टनर को गेस करवाया और गेम को जीत गया क्यूपिड के साथ। मतलब ये गेम तो क्यूपिड ने माँ बहन कर दी थी, बट हाँ ये रोल तुम्हारे काम आने वाला है रैंक पुश के लिए। तो चलो अब हम चलते अपने नेक्स्ट रोल की तरफ जो कि रैंक पुशिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इम्पोस्टर फैक्शन की तरफ से। अब अपना नेक्स्ट रोल जो है वो है स्नाइपर। स्नाइपर क्यों? क्योंकि भाई इससे क्या होगा, तुम लोग जो है दूर कोने में जाके वहाँ से स्नाइपिंग कर सकते हो और स्नाइपिंग करके किल कर सकते हो, यानी लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि किसने किल करा है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जो है एक सेफ जगह ढूंढनी है, वहाँ पे जाना है, स्नाइप करना है और वहाँ से जल्दी से वेंट करके या किसी भी तरीके से भागना है। अगर किसी ने आके देख लिया कि भाई वहाँ से मार का है और तुम लोग वहाँ से बाहर आओ तो तुम्हें पहली फुर्सत में निकलवा देंगे, तो ज़्यादा बेहतर है, हमेशा बच के रहें। ठीक है समरिया। खैर अभी यहाँ पे रेड और एक और अपना बंदा है, उनमें से कोई तो एक मेरा पार्टनर है। मेरे को ये जानना है कि आखिरकार मेरा पार्टनर है तो ये कौन, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यही है। खैर अभी भाई मैं जाऊँगा इलेक्ट्रिकल की साइड और भाई हनी भी ने आके बहुत अच्छा काम कर दिया, हनी भी आके मेरे से अटैच हो चुका है, अच्छी बात है। तो अभी भाई मैं यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक पीता हूँ, इससे क्या होगा मेरा स्नाइपिंग का कूलडाउन बढ़ जाएगा और मैं करना होगा स्नाइपिंग यहाँ पे किसको करूं। ओके मैंने यहाँ पे ग्रीन को पेल दिया, पर कोई अंदर मेडबे की साइड ना आ जाए और रेड भाई गलती से ये ना कह दे कि उन्होंने मेरे को देख लिया था मेडबे में जाते हुए। ओके यहाँ पे ग्रीन की डेड बॉडी रिपोर्ट होती है और हम लोग भाई व्हाइट को वोट करते, बट व्हाइट निकलता है हंटर, वो रेड को हंट कर देता है। बट एक बात मुझे कन्फर्म हो जाती है कि रेड जो था वो तो अपना ग्रीन चाह नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक किल और करना है और हम लोग इस वाले गेम को जीत जाएंगे। यार मुझे क्या भाई, मैं देने वाला हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सैबोटेज, जैसे ही अपने कैफेटेरिया के डोर ओन हो जाएंगे और यहाँ पे देख रहो मतलब एनी भी मेरा फुल साथ दे रहा है। उसने जैसे मेरे को बूस्ट दिया मेरा स्नाइपिंग का कूल और बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। तो बस मैं क्या करना हूँ, मैं करना वाला हूँ स्नाइपिंग। अभी इलेक्ट्रिकल की साइड में आ जाए तो अभी मैं यहाँ पे स्नाइपिंग करूंगा, मैं सियान को ही यहीं किल कर दूंगा और इसी के साथ हम लोग इस वाले गेम को भी जीत जाएंगे, मैं बन जाऊंगा इसमें MVP। यानी देख लो तुम लोग स्नाइपर से कितनी ज़्यादा इजीली जीत सकते हो, बस हमेशा बच के रहना और बच के खेलना और मिथिकल ग्लोरी में ले जाने के लिए स्नाइपर एक अच्छा इंपोस्टर फैक्शन का रोल है। बट मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा थोड़ा तुम जो है न्यूट्रली चुनो। तो चलो अब हम चलते अपने नेक्स्ट गेम प्ले की ओर, जिसमें हम लोग बनने वाले हैं वो रोल जो कि एक साथ एक नहीं दो नहीं अगर उसके आसपास जितने लोग हों सबको किल कर सकता है। बाउंटी हंटर। जी हाँ गाइस, बाउंटी हंटर क्यों मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। सो बेसिकली बाउंटी हंटर रैंक में बहुत ज़्यादा काम आता है और लंबे मैप में, मान लो अगर तुम्हें आता है एयरफोर्स मैप या फिर मार्स बेस मैप, तो इन मैप्स में तुम्हारा बाउंटी हंटर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें बंदों की लोकेशन तक पहुँचाता है सबसे पहले, तो उसके बाद जो है तुम लोगों को ईजिली तुम चाहे मतलब जैसे किसी को भी किल करोगे तो तुम्हारा कूल डाउन डिक्रीज़ कर देगा ये, जिससे क्या होगा तुम बहुत जल्दी किल कर पाओगे। तो अभी क्या था, मैंने यहाँ पे रेड को ब्लू से अटैच होते हुए देख लिया, यानी रेड अपना हनी भी है बट यहाँ पे ब्लू खड़ा हुआ है अभी भी, तो मैं ब्लू को अभी किल नहीं कर सकता। ओके यहाँ पे भाई मेरे को ऑरेंज की बाउंड्री मिली तो मैंने ऑरेंज को किल कर दिया। मैं देख रहा हूँ मैं दो किल कर चुका हूँ। यहाँ पे येलो की तरफ जा रहा हूँ मैं और येलो में भी इंजीनियर है इसलिए वो वेंट के अंदर गया है, तो मैं काम ओके वेंट से बाहर आ, चल बेटा येलो तू भी चल। देख रहा हूँ मैं अब तक 3 किल कर चुका हूँ, मेरे को नेक्स्ट बाउंड्री जो मिली वो मिली है ब्लू की, ब्लू के अंदर हनी भी अटैच है बट फिर भी मैं ब्लू को किल कर दूंगा और एक साथ भाई डेड बॉडी रेड ने रिपोर्ट कर दिया। ये भाई देखते हैं रेड क्या बोलता है मीटिंग में। गोल्डन बाउंटी हंटर है, मैं हनी भी हूं, गोल्डन ने मार दिया है, गोल्डन को बाउंटी ले लो सब बाउंटी। गोल्डन तुम्हारा बाउंटी हंटर है, मेरे जिससे अटैच था उसे मार दिया इसने। खैर अभी हमने ना जाने क्या करा बट व्हाइट को फेंक दिया और रेड को भाई मैंने बहुत अच्छे तरीके से मना लिया है, अगर रेड को मरना नहीं होगा तो वो मेरे से अटैच हो जाएगा। खैर ओके मेरे को रेड की बाउंटी मिली है, रेड अगर मेरे से अटैच होता तो ठीक है, वरना रेड मेरे हाथों किल होने वाला है। वैसे भी मेरे को सिर्फ एक किल करना है गेम जीतने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि रेड यहाँ पे समझ चुका है कि मैं बाउंटी हंटर हूँ और वो मेरे साथ अटैच होगा और इसी के साथ हम लोग इस वाले गेम को भी। देख लो मतलब बाउंटी हंटर से मैं कितनी ज्यादा इजीली जीत चुका हूं, तो गाइस जीत थे वो 3 रोल्स जिनसे तुम लोग भाई रैंक बहुत ज्यादा इजीली पुश कर सकते हो इंपोस्टर फैक्शन के। इसके दोनों फैक्शन के वीडियो ऑलरेडी आ रखे हैं चैनल पे, तो जाके जरूर से देखना और उन वीडियोस को भी लाइक करना और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, वीडियो के जरा भी अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस आउट।